बच्चों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन आपको दो जगह काम आएगी। एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द परचेज और सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, एज वेल एज गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड एज वेल एज हाउ मच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। और दूसरा, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में भी वाले चैप्टर में भी हेल्प करने वाला है। वो कैसे बच्चों? क्योंकि आपको वहाँ पर भी अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है और बैलेंस शीट में फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है। अगर फिक्स एसेट के बेचने पर गेन या लॉस हुआ है तो वो भी इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है। ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है। दैट्स वाई फिक्स एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन जो है वो दोनों जगह आपको हेल्प करने वाली है। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में सब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये मैंने मैक्सिमम चीज़ें लिखी हैं जो इसमें आ सकती हैं। जैसे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट के लिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट के लिए। हम जानते हैं एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है, क्लोजिंग क्रेडिट में, कि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड लिखा जाता है जो साइड कम होती है। अगर एसेट परचेज करी होगी तो टू बैंक अकाउंट, बेची होगी तो बाय बैंक अकाउंट, एसेट बेचने में कोई लॉस हुआ होगा तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिर गेन हुआ होगा तो टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, मेनली जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फिक्स एसेट अकाउंट बनाया जाता है मेनली टू फाइंड आउट द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट, मगर एनपीओ के अंदर जो फिक्स एसेट अकाउंट बनाया जाता है दैट इज मेनली टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स एसेट एज वेल एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा, एंड आई होप आपको ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।